बैठ जा बेटी, आ जा। वो मम्मी कह रही थी चाय बना दो आपके लिए। पी ली थी मैंने तो सवेरे चाय बना कर, तुझे बनानी है तो तू पी ले। नहीं मुझे नहीं पीनी चाय। देख बेटी तू खूब घूम, बाहर भीतर खूब जा, पर जमाने की रफ्तार को देख के किसी से फालतू बात मत करिए, किसी के बहकाए में मत आइए। जमाना बहुत बुरा आ गया, अपने काम से काम राख, और कोई कह वे कुछ तो इंगे को सुन और इंगे को लिकाड़ दे। ठीक है बेटी? ठीक है मम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और ना ही मैं किसी से फालतू बोलूँगी। अपना अच्छा पैर और अच्छा खा, हंसी खुशी रह। माँ बाप की इज्जत बेटी बेटे के हाथ में रह। तुझे मैं देख बेटी समझा रही हूँ, तू सियाणी होगी अब। अच्छा मम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो आपके दिल को ठेस पहुँचे। ठीक है मेरे बच्चे, चल तू काम कर ले अब, नहा धो ले। हे पार्वती मैया, कोई अच्छे से लड़के से इसकी जोड़ी मिला दे मेरी माँ, और इसको भेज, इसका ब्याह करो। राम 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 राम, सीता सीताराम। माँ मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही, चाबी कहाँ रख दी? देख ले बेटा यहीं रखी हो। माँ यहाँ तो ना दिख रही कहीं भी, मैंने देख ली, मुझे तो नहीं मिल रही माँ चाबी। यही होगी बेटा, मैंने तो सारे को देख ली माँ। राजू बेटा एक काम करो, रा। हाँ माँ। यहाँ बैठ। तुझे मन ने कही थी कि वो लड़का बता रहा है, उससे बातचीत करी तुमने ना स्वाति के लिए? माँ अभी तो मैंने बात नहीं करी। एक बार बेटा उस लड़के को नजर मुक काट ले, अब देख सियाणी होगी तो ब्याह तो करना ही है। माँ वो काम ज्यादा है, मुझे टाइम नहीं लग रहा, जब मुझे टाइम लगेगा मैं जाके बात कर लूंगा। कोई बात नहीं, तू एक दिन टाइम निकाल ले, एक घंटे का टाइम निकल जाएगा, तू जब देखा होगा उसे। ठीक है माँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं चला जाऊंगा। चल ठीक है। देख बाहर कुंती पता ना टांग देता है चाबी, धर का भूल जा तू। राजू बेटा नाश्ता करके जाइए। ठीक है माँ। चल ठीक है। खाना बना रही हूँ भाभी, थोड़ा जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। थोड़े से बर्तन भी पड़े थे तो। चलो कोई बात नहीं, तुम खाना बना दो मैं बर्तन धो लूंगी। ठीक है। हाँ पापा जी। हाँ मम्मी जी, मेरे पास है, बात करोगे? मम्मी लो पापा जी से फोन है। कर लेती बात आप, कर लो। हेलो। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। और बताओ बालक बच्चे ठीक हैं? हाँ जी हम भी ठीक हैं। अरे बेटी की मत पूछ जो तुम अपनी की, बेटी तो बहुत अच्छी है, ऐसी बहू भगवान सब देवे। मेरा तो सारा घर इसने संभाल रखा, सारा काम यूं ही करा, मुझे ना करन देती जी कुछ भी। हाँ आ जाओ किसी दिन घूम जाओ, चौधरन को भी ले आओ, तुम भी आ जाओ। हाँ लो कर लो अपनी बेटी से बात, ले कर ले बात। हाँ पापा जी। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा जी, नमस्ते। मैंने राजू को लड़का देख काने को कही थी स्वाति के लिए, देख काया है ना देख काया, कुछ बताई तुझे ना बताई? ना माँ जी मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसे टाइम ही ना मिलता। अरे तू समझा ना इसे, इतना काम कर रहा है यू। ठीक है माँ जी, जब बना ले रोटी वोटी अपना कर काम। ठीक है माँ जी। अयु फोन तो ले जा। ले खाओ भाई, आज तो कढ़ी पकोड़े बनाए। बस मेरी तो यही इच्छा अब, क्या भगवान स्वाति की न्यू एक अच्छा सा लड़का मिल जा,
अरे किस घर में पोता देते बस। माँ मैं अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का देखूंगा लाखों में एक, जिसके एक हाथ हो, एक पैर हो, एक कान हो, एक आँख हो। माँ देखो ना भाई कैसे मजाक कर रहे हैं, हर टाइम परेशान करते रहते हैं मुझे। अरे ये काम तो मैं अपनी बहू के ऊपर छोड़ती हूँ, सुमन लाओगी मेरी लड़की के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ कर। चुप हो जाओ जी, मैं अपने इनके लिए बहुत अच्छा लड़का लेके आऊंगी। अच्छे जी? हाँ जी। देख लो अपनी भाभी को। भाभी तो अच्छी है। खा ले खाना तो चुपचाप, एक आंख और एक बाहु। माँ हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वो मुझे ऑफिस से हॉलीडे पैकेज मिला है, मैं चाहता हूँ कि मैं सुमन को घुमाने ले जाऊँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे दिन सब यहाँ बेचारी कहीं गई भी ना घूमना फिरना, ले जा घुमा ला। क्या बात है, अब तो भाभी घूमने जाओगी। मैं अकेली थोड़ी ना जाऊंगी, मैं अपनी प्यारी नंद को साथ लेके जाऊंगी। ऐसी बात पर खेरा ले बहू। भाभी मेरी आदत नहीं है कबाब में हड्डी बनने की, मैं तो अपनी माँ के साथ रहूंगी, माँ के पास भी तो नहीं है कोई, तो आप चली जाओ मैं माँ के पास ही रहूंगी। मेरी बेटी कितना ख्याल रखा है मेरा, बात ही करते रहोगे, खाना भी खाओगे, खाना खाते भाई बात नहीं करते, खाओ। हे भगवान मेरा परिवार ऐसा ही बना रहा है, सदा हंसता खेलता रहे, किसी की नजर ना लगे इसे। ठीक है माँ जी, तारा बना रहा भगवान तेरी लंबी उम्र। दीदी जब तक मैं वापस ना आऊं माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे भाभी ये भी कहने वाली बात है क्या, मैं मम्मी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। और हाँ तुम एक बात जरूर याद रखना, दो दिन में वापिस नहीं आई ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। स्वाति माँ का ख्याल रखना मेरी बहन। ठीक है भैया। ठीक है माँ चलते हैं। जी तेरा बनी रहे, दूध दो नहाओ पोत तो फलो। अच्छे से जाना और फोन जरूर कर देना पहुँच के। हाँ हाँ ठीक है मैं पहुँच के कॉल कर दूंगा। सो गई क्या आप? अरे तनक से अभी जपी आँख से। मम्मी भैया भाभी इधर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, घर भी देखो सोना सोना लग रहा है। अरे मेरा भी ना लग रहा जी। मम्मी हाँ एक काम करूँ, भाभी के पास कॉल करूँ? हाँ कर कर, मिला कर बात जल्दी। हेलो भाभी तुम तो बिल्कुल भूल गई वहाँ जाके। अच्छा ये बताओ तुम मुझे खुशखबरी कब दे रही हो? अच्छा कितनी सीधी बन रही हो, मुझे बुआ कब बना रही हो? मम्मी मम्मी पास में ही है, लो बात कर लो। हाँ सुमन ठीक हो तुम दोनों? अरे आजा बेटा मेरा तो मन ना लग रहा, रात को तो बिल्कुल नींद ना आती, बस नू ही देखती रहूं चारों ओर को। और बढ़िया मन लग रहा हूँ थारे घूमने फिरने में। चल बढ़िया आ जा बेटा, अब तो एक दो दिन और रह कर अपना आ जाओ। हाँ हाँ नारा राजू, चल ठीक है मैं बाद में बात करूंगी, दूध वाला आ गया। अंडी नमस्ते। नमस्ते बेटा, वो दूध के पैसे के लिए आया। हाँ दूध के पैसे? स्वाति बेटा तू देखना ही इसके पैसे। अरे वो मम्मी मैं भूल गई थी, अब दे देती हूँ। चल ठीक, पैसे तो बेटा मैंने दे दिए थे, इसके ध्यान ना रही है, देख आने। कोई बात ना, मैं यहाँ से निकल के जा रहा, मैंने सोची तक आधे कर दूँ। मम्मी सारे पैसे तेरे। अरे दे देंगे। कितने पैसे है बेटा तेरे? 5,000 रुपये जी।
ले भाई पैसे। अरे पकड़ भाई पैसे, अरे पकड़। कहाँ ध्यान है तेरा, कहीं हिसाब में तो गड़बड़ ना कर दी तन्ने? नहीं जी, वो तो पिताजी ने हिसाब करा था। ठीक है जी। कितने पैसे हैं ये? 5,000 है। गिल्ले तू और? अरे नहीं, गिनने की ऐसी कोई बात नहीं है, आपने दिए होंगे तो सही दिए होंगे। ठीक आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते सुहाती, कितना भला छोरा आयो, पैसे भी ना गिने, तो जितने दिए उतने ले गया। मम्मी आज कितना दूध लेके आना है? हाँ। मम्मी बोलो ना कुछ, आज हाँ। कितना दूध लेके आना है? हाँ। मम्मी मैं इतनी देर से आपको आवाज लगा रही हूँ, आप कुछ बोले नहीं रही हो। हाँ। मम्मी हाँ। आपको तो बहुत तेज के बुखार है। हाँ। एक काम करती हूँ, भैया को फोन लगाती हूँ। हाँ। क्या करूं, भैया का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मम्मी के ऊपर पट्टी लगा। मम्मी, मैंने आपके सिर पे पट्टी रख दी है, आपका बुखार हल्का हो जाएगा, मैं जब तक दूध ले आऊं। ठीक है लिया। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। मम्मी की इतनी हालत खराब है, वो चलने की स्थिति में नहीं है, उन्हें कैसे ले जाएं हॉस्पिटल? तुम कुछ करो ना, मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को यहीं बुला कर लेकर आ रहा हूँ। जल्दी लेके आ जाना। आइए डॉक्टर साहब। इनको तो बहुत तेज बुखार है, इसे जरा कोटर दिखाओ। इन्हें हल्का सा बुखार है और मैं दवाई दे देता हूँ। लो जी, ये 7 दिन की दवाई है,
लिख दिए मैं ले लेना स्टोर से, और ये दवाई सुबह शाम चलेगी, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। मैं कह रही ना तेरे से, टेंशन मत ले, मुझे हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगे। मम्मी उठ के ये लो पानी पी लो। हेलो लो, ये सारी दवाइयाँ और ये पर्चा सारी लिख रखी हैं, ये सुबह शाम, ठीक है, आपके पैसे। अरे कैसी बात कर रही हो आप, ये आपकी माँ नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। कोई बात नहीं बेटा, ले ले पैसे, तेरा इतने बहुत एहसान हुआ, भाई तूने मेहनत करी है, डॉक्टर को लाया बुला कर दवाई लाया, तो दवाई के पैसे ले ले बेटा, स्वाति दे दे बेटा पैसे। आंटी पैसे आते रहेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ, पैसे कहीं भगे थोड़े ना जा रहे हैं, ले लूंगा मैं अपना। ठीक तो मैं हो ही जाऊंगी भैया, तो जी तारा बना रहे भगवान तेरी लंबी उम्र करे। और हाँ तुम मेरा नंबर ले लो, और कोई भी बात हो तो मुझे बता देना। लो नंबर 9911472518, ठीक है, और नाम मेरा राहुल है, फोन करके बता देना जैसे भी तबीयत हो माँ की। ठीक है, हेलो, मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ स्वाति, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब मम्मी की तबीयत कैसी है आपकी? मम्मी की तबीयत तो ठीक है, आराम भी मिला है। मैं से एक बात बोलूँ? जी बोलिए। आप मेरे कहने से मेरे घर आए और मेरी मम्मी का ख्याल करा, तो उसके लिए थैंक यू। अरे वो तो मेरा फर्ज था, और इंसान ही तो इंसान के काम आता है। वैसे आप भी बहुत अच्छी हो। आपसे ज्यादा नहीं, आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो। अरे ये तो आपको बड़प्पन है जो आप ऐसे बोल रही हो। और आपके घर में सब कैसे हैं? मेरे घर में भी सब ठीक है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा हैं, और मैं। अच्छा। तुम शाम को आओगी ना दुकान पर? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। तब तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, जल्दी आना, फिर मेरे पापा आ जाएंगे। अच्छा मैं फोन करती हूँ, मम्मी को दवाई देनी है। ठीक है, आप मम्मी को दवाई दे दो। ठीक है, बाय। ओके। वो टाइम वगैरह नहीं मिलता ना दुकान उकान से, इसलिए। हाँ तुम्हारे पास मेरे लिए कहाँ टाइम है, तुम्हें तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है मेरे लिए। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो गुस्सा हो जाती हो। अगर टाइम होता तो तुम मुझसे बात नहीं करते ना, तो तुम कभी मिलने को कहते हो। तुम क्यों गुस्सा हो जाती हो? हाँ बस तुम्हारे पास एक ही तो काम है, सॉरी। सॉरी के अलावा और भी कुछ है क्या? अरे मेरी जान, तुम्हारी मैं जान दे सकता हूँ। हेलो, अब तुम कुछ बोल भी नहीं रही। हेलो हेलो, अब क्या हो गया?
काट दिया। पता नहीं क्या वो गुस्सा करती है तुम्हें। ये दूधी हरामी से बात कर रही थी ना तू? खबरदार जो उसकी डेयरी में दूध लेने गई। क्या समझा रही हूँ तू, क्या चल रही है? मैं तो नहीं सोच रही, मगले छोरे से बहू से बात कर रही होगी, मगले सुनू क्या बतला रही है। हाँ देखो तो हरामी वो बोल रहा है, नू बोल रहा फोन पे, मेरी जान जान तो उसकी मैं काट दूंगी आज ना फेंक के। आज मैंने उसके ड्राम ड्राम खा के मुझसे बड़ा मुझसे दूध दिया। क्या समझा रही और क्या कर रही है, यही लैंड लिया। कैसे हिम्मत पड़ी तेरे मेरे घर फोन करने की? हाँ कौन से उससे फोन करा तेरे घर, मुंह बता मुझे। आज के बाद फोन कर दिया मेरे घर तो तेरी थूथड़ी फोड़ फाड़ दूंगी, बता रही बात। तेरा फेंक दूंगी सारा डेयरी का सामान, कद तू यहां भी कौन दूध अभी आदमी का झूठ में हो जाए, बता रही। अन्यथा फोड़ फाड़ दूंगी तेरी थूथड़ी को अभी। ओ खत्म कर ले इस बेइज्जती के बदला, मैं जरूर लूंगा। अब मैं बताता हूं मैं क्या चीज हूं। हेलो। हाँ तुम आ रही हो ना? अरे यार आ तो रहे हो पर तुम फोन क्यों कर रहे हो? मेरी मम्मी पास में है। अरे कोई बात नहीं, तुम चुपचाप निकल जाओ। ठीक है मैं आ रही हूँ। आज ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अरे वो बात तो ठीक है, अब मैं लिख लूँ? हाँ हाँ जल्दी निकल के आ जाओ, बस स्टैंड पे मिलूंगा। ठीक है। स्वाति कहाँ चली गई हो? अरे मुझे तन सा पानी दे देते। स्वाति 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 कहाँ चली गई हो? मैं रख देता हूँ। स्वाति ये है हमारा आशियाना। शायद आपको ये पसंद ना आए क्योंकि आप वैसे ही इतने बड़े घर से हो। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ बैठे और मुझसे वादा करो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। एक काम करो,
अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, कभी तुम्हारे घर वाले तुम्हारा फोन मिलाए, ठीक है? और मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, अपना ख्याल रखना और डरना बिल्कुल मत। क्या बात, कैसे उदास बैठी हो माँ, क्या बात है? बेटा स्वाति की पता ना सवेरे से कहाँ गई। अरे माँ, गई होगी अपनी सहेली के पास, चल मैं अभी फोन मिला के देखता हूँ। फोन बंद जा रहा के? हाँ माँ फोन बंद है, मैं उसकी सहेली को मिलाता हूँ। हेलो, हाँ दीपा, स्वाति आई है तुम्हारे पास? नहीं, सजी के पास देखता हूँ मिला के माँ। हाँ शशि, स्वाति तुम्हारे पास आई है? नहीं, बेटी यही तो मैं सोच रही हूँ, गई कहाँ? बेटा मेरा बड़ा मन घबरा रहा। माँ तू घबरा मत, मैं कहीं उसे तलाश करता हूँ। अरे मैं तो लौट के ही उठी हूँ अभी। ये डेयरी किस टाइम खुला है भैया? आज तो ये सुबह से ही बंद है, पता नहीं किस टाइम खुले। सुबह से ही बंद है? हाँ भैया। लगी पता भैया? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं मिली। डेरी पे देख कर आया के? डेरी तो बंद है माँ। बंद है? हाँ। अब मुझे समझ आ रही है वो कहाँ गई है। लो तुम पान पियो। क्या हो गया? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। तुम चुप हो जाओ, लो पान पियो, पहले पान पियो, पानी पियो। लो थोड़ा सा पानी और पियो। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो कुछ दिनों की बात है, सब चीज ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी का मेरे बेटा क्या हाल हो रहा होगा, मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? तुम्हें समझा, जब ही तो आपके कहने से आपके पास आ गई। आप बिल्कुल भी चुप मत, चुप हो पहले।
और तुम्हें मेरी कसम है अगर रोई तो ठीक है, जाओ खाना बना लो। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ। बताओ क्या खाओगी? कुछ भी ले आना। चलो ठीक है। स्वाति जाओ, 10 बज रहे हैं, चाय बना लो। क्या चाय लिया? चाय भी बाहर से लाई जाती है क्या? तेरा दिमाग तो भी खराब हो गया। ऐसा चुपचाप उठ जा और चाय बना ले, मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो मैं अभी रैपट मारूं खींच के। सुबह 9 बजे दिमाग खराब करने लगे, मेरा दिमाग खराब करा और अपना दिमाग खराब बता रहे हो। मेरा दिमाग खराब मत कर, अभी पिट जाएगी। अच्छा तुम मुझे मारोगे? मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से? क्या कह रहा हूँ मैं? चाय बना चल के। नहीं बनेगी मेरे से चाय। तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। एक तो वैसे ही कुछ काम नहीं मिल रहा, ऊपर से रोज रोज तेरे लिए होटल से कहां से खाना लाऊं? तुझे पता है ना मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ काम नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? मेरे पे नहीं बनता चूल्हे में खाना। ऐसा है, मुझे तेरे से तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। जा अपने घर चलिए। जा किस मुंह से जाओ अपने घर पे? उस घर में जिस घर में अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे को रखना है तो रखो, नहीं तो जान से मार दो। क्या करूं भगवान? खूब घूम बाहर भीतर खूब जा, पर जमाने की रफ्तार को देख के किसी से फालतू बात मत करिए, किसी के बहकाए में मत आइए, जमाना बहुत बुरा। जिसके एक हाथ हो, एक पैर हो, एक कान हो, एक आंख हो। मम्मी तुम ठीक कहती थी दी। पर मैंने ये काम करके बिल्कुल अच्छा नहीं करा, मैंने आपका और भैया का बहुत दिल दुखाया, उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। आज मेरा ही दिमाग खराब था, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सबको परेशानी होती है अपना घर छोड़कर, उसको भी हो रही होगी। उसने मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपना भाई, सब कुछ। और आज मैं उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज स्वाति से माफी मांग लूंगा और बोल दूंगा आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। चाय पी लो। मैंने कहा चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी। ठीक है।
अगर तुमने चाय नहीं पी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी। ऐसा मत बोलो, मैं भी तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं भी आपके बगैर मर जाऊंगी।